नमस्कार सुब्रता किचन को आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आज आम बैगण रे गोटे टेस्टी आउ क्रिस्पी स्नाक्स बनेबा जहाँ को कि आपण खाइले जानि परिबे नि जे एटा बैगण रे तयारी हेछि आ एटा खाइबा पय बहुत ही टेस्टी लागिबो। तबे आउ देरी न करी चालन तो वीडियो टिकु देखि नबा। ये मु गोटे लंबा बैगण नहीं जाइए बैगण को भलसे धोई नहीं रेसीपी आपड़ सब एमती लंबा बैगण ही ने नासी सहित तो आम बैगण को मझीर दुई फाड़ा कर नवा तो देखिदे आपड़ बैगण में पोक अच्छे कि ना तो ये मुझे दुई फाड़ा कर नहीं बैगण में बिलकुल भी पोक ना एवं देखते मुझे काटूची आपड़ा ही काटने एम चार कट लगे जदि आपणकर बैगण टी मोटा होती अधिक कट मध्य लगे पारती देखु मु नासी रखिकी आपको केमती काटि नौ तो यह आपड़ बैगण को काटने तो गोटे फाड़ ये मुटि सारे सेम प्रोसेस रे सब बैगण को काटिके आपड़ रेडी करने तो ये देखु यह बैगण को काटने तो ये मुझे दुईटा जाक काटि एबे एथिरे आमे गोटे पिंच लुण दे दबा तो ता ऊपर एमती छिंची नबा आउ ताको हाथ रे देखंतो बैगण रो चारियाडे भलसे एमती लगे नबा एबे याको आमे किछि समय पय साइड कर नबा आउ एठी मु गोटे मिक्सिंग बाउल रे आधा कप बेसन दे दोची एबे एथिरे आमे स्वाद अनुसार लुण दे दबा मु एठी हाफ टी स्पून रो टिके कम लुण दोची 1/3 स्पून हळदी गुंड 1/3 स्पून रागवाला लंका गुंड आठ मु 1/3 स्पून करी पाउडर दे दूची एवं एथिरे आम आवश्यक अनुसार अल्प अल्प पानी दे कि आपको भल भाव मिक्स कर नबा तो बैटर को आम टे पतला रखा तो मु अधा कप बेसन पाई अधा कप पानी नहीं तो फर्स्ट ताको एमती अल्प अल्प पानी दे कि आम भल भाव मिक्स करवा तो जो अधा कप पानी मुझे नहीं मोर सब पा ए लगी बैटर कनसीस्टेन्सी देखिपे के अच्छी तो यह बैटर बनने ने आठ बैगण रेस्ट कर पखापाखि 10 मिनिट हो बैगण रु बहुत सारा पानी मध्य बाहरी जाए बैगण को आम गोटे टीस्यू पेपर सामती पोछी ना जहाद्वारा बैगण एक्सट्रा पा सब बाहरी ये गोटे प्लेट्रे कि सुखा मैदा नहीं जा तो बैगण को एबे आमे सुखा मैदा रे एमती भल भाव कोट कर नबा तो आपण देखिपे ये मुझे केमती करूँ तो यह बैगण को भल भाव सुखा मैदा रे कोट करने आमे बनई रखि बैटर को गोटे प्लेट को बाहर कर नबा जहाद्वारा आमको बैगण को डिप करने इजी हम तो ये मुझे प्लेट को बाहर करें बैगण को डिप कर नबा तो देखो ये मुझे करूँगी करे एवं आम बैगण को बैटर रु बाहर कर नवा देखो आपंती एक्सट्रा बैटर को बाहर करने आठ मुझे ब्रेड क्रम्स नहीं जाइए तो 3-4 ब्रेड को मु ग्राइंड कर यूज करूँ देखो एमें ब्रेड क्रम्स को बैगण में भल भाव कोट कर नवा तो आप देखिपे ये मुझे करूँ यह करे तो ये देखो गोटे रेडीगला सेम प्रोसेस आम आ गोटे रेडी करनाबा तो ये मुझे दुईटा जाक रेडी कर नहीं सेट हाँपाई फ्रिज भितर 10 मिनिट रखिद आपण चाहिए एमती आगर बनई फ्रिज्रे रखिपर आते बड़े इच्छा फ्राए करके खाईपर तो 10 मिनिट पर मुझे फ्रिज भितर बाहर कर फ्राए करने रिफाइन तेल को मीडियम फ्लेम गरम कर तो तेल गरम है आमे बैगण को देदबा आपको मीडियम फ्लेम रे ही फ्राए करवा तो बेस हाई फ्लेम रे फ्राए करे ना बैगण भलसे सीझन पोड़ तो गोटे पट साइड किसी समय फ्राए होगा बैगण को आम आर पट साइड को ओल्टे ना आईपट सैड्रु भलसे लाइट गोल्डेन कलर आसवा पर्यटन आपको आम फ्राए कर नवा तो फर्स्ट रु लास्ट पर्यटन आपको मीडियम फ्लेम रे ही फ्राए करेंगे तो ये देखो आमर बैगण फ्राए होगा या को बाहर कर नवा
तो गोटे टिश्यू पेपर उपर रखिदे जहाद्वारा एक्सट्रा ऑयल टिश्यू पेपर अब्जर्व करब। सेम प्रोसेस रे एटी मो आउ गोटे फ्राई करि नै छि, याको आपण टमाटो सॉस सहित सर्व करि परिबे। तो पुणी देखा हबा गोटे नुआ वीडियो रे। थैंक यू।